Hello friends, welcome to my channel e-grammar and R tutorials. Now in this video we are going to see remove to. बहुत ही simple topic है दोस्तों. remove to में कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा नहीं है जो सीखना है, but इसके कुछ basic rule है, दो तीन rules है जो मैं आपको बोल दूँ, उसके बाद आप खुद ब खुद ये sentence बना पाओगे और उसको कैसे convert करना है ये भी आप समझ जाओगे. इस चीज को मतलब remove to को और एक नाम से जाना जाता है जो कि है so that. अब सो दैट क्या होता है कि आपको बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि रिप्लेस विद सो दैट. रिमूव टू की जगह पे आपको कई बार ऐसा होता है कि रिप्लेस विद द सो दैट. ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं. अब बिल्कुल भी टाइम नहीं गवाएंगे हम कुछ बेसिक रूल्स पहले देख लेते हैं क्या है. अब जैसे कि नाम है रिमूव टू, तो हमें यहां से टू निकाल देना है. अब दो तरह के टू होते हैं, टी ओ टू और एक होता है TOO. इन दोनों तरह के टू में से दोनों ही टू को हमें ये यहां से निकालना ही होता है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है. सो ये TOO निकालोगे तो उस जगह पे आपको उसके जगह पे आपको लिखना है सो, उसे रिप्लेस कर देना है सो से. और TOO निकालोगे तो उसको निकालने के बाद उसकी जगह लेगा दैट. ओके, ये रिप्लेस हो जाएगा दैट से. अब ये सेंटेंस में ये दोनों टू अगर होते हैं तो ये पहला टू है TOO, उसे रिप्लेस करेंगे सो से, और दूसरा TO2 है उसे रिप्लेस करेंगे दैट से. उसके बाद जो कि हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है उस सेंटेंस का क्या सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा दैट के तुरंत बाद. उसके बाद आता है कैनॉट या फिर कुड नॉट. अब कैनॉट जब कब यूज करेंगे हम, जबकि प्रेजेंट टेंस हो तो कैनॉट यूज करेंगे, और अगर पास्ट टेंस हो तो कुड नॉट का यूज करते हैं. ये आपको ध्यान में रखना है. बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हम फर्म होते हैं, मतलब आपको गारंटी होती कि ऐसा ही होने वाला है, तो उस वक्त आप विल नॉट का यूज करते हैं. ये आपको ध्यान में रखना है. अंडरस्टूड? चलो, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं गवाएंगे हम. कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स देखता हूं, मैं रखता हूं आपके सामने, जो सिर्फ TOO के साथ ही शुरू होते हैं, कि जिस सेंटेंस में सिर्फ TOO दिखेगा, TO2 नहीं दिखेगा, तो उस सेंटेंस में हम क्या कर सकते हैं वो भी देख लेंगे. पहले वो सेंटेंस देखेंगे हम, शी वॉज टू हैप्पी. अब यहां पे देखो सिर्फ TOO है, इसको रिप्लेस करना है मुझे, तो इसको रिप्लेस करते वक्त मैं कुछ अलग अलग वर्ड्स यूज कर सकता हूं, जैसे कि शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, शी वॉज क्वाइट हैप्पी. अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमें बोलते हैं कि TOO के बारे में कि ये चीज बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के है, इसलिए हम उसके लिए ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं. ओके, अब दूसरा पार्ट देखते हैं इसका जो कि हमें सीखने को है. शी वॉज टू टायर्ड टू अटेंड द क्लास. यहां पे दोनों टू आ गए. अब पहला जो सेंटेंस की जो शुरुआत है, शी वॉज, मैंने एज इट इज लिख दी आंसर में. अब TOO इसको निकाल दिया मैंने, उसको रिप्लेस कर दिया सो से. उसके बाद जो वर्ब था मेरा, जो भी आपका एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी रहेगा, वो एज इट इज आप यहां पे लिख दोगे. उसके बाद TO2 उसे निकाल दो, उसको रिप्लेस कर दो दैट से. ये भी आपको चीज ध्यान में रखनी है. अब मैंने आपको कहा था कि बेसिक रूल के हिसाब से दैट के तुरंत बाद हमारा जो सब्जेक्ट है, मतलब जिससे हमारे सेंटेंस की शुरुआत हुई है, उसको देखो. यहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी, तो मैं वो सब्जेक्ट यहां पे लेके आऊंगा शी. हमारा सेंटेंस कौन से टेंस में है, तो मुझे यहां पे दिखता है कि ये वॉज है, तो वॉज ये पास्ट टेंस है, तो इसकी वजह से मैं यहां पे यूज करूंगा कुड नॉट. अंडरस्टूड? और बाकी का रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा. सो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट अटेंड द क्लास. अब दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज टू फैट टू रन. अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, मतलब आप बोलो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. ओके, तो इसमें क्या बदलाव आएगा, देखो, ही इज सो फैट, ये TOO निकाल दिया, उसकी जगह ले ली सो ने. उसके बाद फैट एज इट इज आ गया. उसके बाद TO2 था, वो निकाल दिया हमने, उसकी जगह ली दैट ने. ओके, उसके बाद हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट ही है, वो यहां पर आ गया. इज हमें बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस है, इसलिए मैंने यहां पे यूज किया कैनॉट.
और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस लास्ट में एज इट इज आएगा. अंडरस्टूड? तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन. अंडरस्टूड? अब इस तरीके के सेंटेंस आपको पढ़ने को यहां पे मिलते हैं. बहुत से सेंटेंस ऐसे है कि उस सेंटेंस में फॉर भी आता है, तो उस वक्त क्या करेंगे, वो फॉर निकाल देंगे हम. ये आपको मैं सेंटेंस कुछ दिखाऊंगा उसमें आपको ये पता चल जाएगा. अब हम हमारे डायरेक्टली हमारे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि उसमें से आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आए कि रिमूव टू कैसे यूज होता है. पहला सेंटेंस देखिए, ही इज टू यंग टू ट्रैवल अलोन. ओके, अब इसका आंसर क्या होगा, देखो, ही इज सो यंग दैट ही कैन नॉट ट्रैवल अलोन. अब यहां पे हमने ही की जगह दैट के बाद ही यूज किया और कैनॉट क्यू यूज किया हमने, तो यहां पे इज था. अंडरस्टूड? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अजिंक्य ड्रोव हिज कार टू फास्ट टू कंट्रोल. ओके, अब इस सेंटेंस में मुझे कोई वॉज वर हैड मतलब पास्ट टेंस बताने वाला ऐसे कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दिख रहे, पर मुझे यहां पे ड्रोव दिखा है. ये जो ड्रोव है ना, ये पास्ट टेंस है ड्राइव का, वो पास्ट टेंस है. तो मुझे पता चला कि ये भाई अभी ये सेंटेंस तो पास्ट टेंस का है, तो उसका आंसर क्या आएगा, देखिए, अजिंक्य ड्रोव हिज कार सो फास्ट, ये टू की जगह ले ली सोने, सो फास्ट दैट ही, अब अजिंक्य एक लड़के का नाम है इसलिए मैंने यहां पे लिखा ही. ओके, ही, मुझे पता चल गया कि ये पास्ट टेंस है, तो फिर ही कुड नॉट कंट्रोल. अंडरस्टूड? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द हिल इज टू हाई फॉर अस टू क्लाइंब. मैंने आपको पहले ही बोल दिया था फॉर के बारे में कि फॉर हमें निकालना है. अब कैसे, देखिए एग्जाम्पल, देखिए इसका आंसर, देखिए, द हिल इज सो हाई दैट. अब मैंने क्या किया, यहां पे देखिए, ये जो फॉर है मैंने आपको बोल दिया कि फॉर निकालना ही है मुझे, आंसर में फॉर मैं निकाल दूंगा. अब यहां पे क्या होता है, फॉर निकालने के बाद मैं इन दोनों की जगह एक दूसरे से बदल देता हूं, तो टू आ गए अस की जगह पे. ओके, सो द हिल इज सो हाई दैट, अस का होगा वी कैन नॉट क्लाइंब, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज रहेगा. कैनॉट क्यू यूज किया क्योंकि ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस था वो. अंडरस्टूड? चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अतुल इज टू स्ट्रांग फॉर मी टू बी डिफीटेड. अब इसका आंसर देखिए, अतुल इज सो स्ट्रांग दैट आई कैन नॉट डिफीट, मैं उसे हरा नहीं सकता. अंडरस्टूड? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, I am so small that I can't play. Understood? Next sentence देखिए अभी, This box is so heavy that one cannot lift it. अब देखिए इस सेंटेंस में बॉक्स इतना भारी है कि एक जन से नहीं उठा जाएगा, मतलब बॉक्स भारी है, उसे उठा सकते हैं पर एक आदमी उसे नहीं उठा सकता, इसलिए मैंने यहां पे यूज किया वन कैन नॉट लिफ्ट इट, उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पे लास्ट में मैंने आईटी इट इसका यूज किया. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, गौरव इज टू बिजी टू अटेंड द सेरेमनी. आंसर, गौरव इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट अटेंड द सेरेमनी. नेक्स्ट, द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. अब इसका आंसर देखिए, द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, मिस्टर पाटिल वॉज टू लेट टू कैच द ट्रेन. अब इसका आंसर देखिए, मिस्टर पाटिल वॉज सो लेट दैट ही कुड नॉट कैच द ट्रेन. नेक्स्ट, She was sobbing too deeply to make any answer. अब इसका आंसर होगा, She was sobbing so deeply that she could not make any answer. Understood? अब next part देखिए, next मतलब next sentence. She is too slow to catch the bus. She is so slow that she cannot catch the bus. She spoke
टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड. अब इस सेंटेंस में देखिए, ये स्पोक जो वर्ड है, ये स्पोक है स्पीक का पास्ट टेंस. ओके, इसलिए मैंने यहां पे स्पोक लिखा. अब मुझे पता चल गया कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसके वजह से मैं आंसर आराम से लिख सकता हूं. शी स्पोक सो फास्ट दैट शी कुड नॉट बी अंडरस्टूड. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द बैग वॉज टू हैवी फॉर हर टू लिफ्ट. द बैग वॉज सो हैवी दैट शी कुड नॉट लिफ्ट इट. नेक्स्ट सेंटेंस, द कॉफी वॉज टू हॉट फॉर यू टू ड्रिंक. अब यह आएगा, द कॉफी वॉज सो हॉट दैट यू कुड नॉट ड्रिंक इट. अंडरस्टूड. नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज टू प्राउड टू बेग. अब इसका आंसर आएगा, शी इज सो प्राउड दैट शी कैन नॉट बेग. नेक्स्ट वन, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू. अब ये सेंटेंस देखिए, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू. नेक्स्ट वन, शी वॉज टू पुअर टू पे हर फीस. ये सेंटेंस आएगा, शी वॉज सो पुअर दैट शी कुड नॉट पे हर फीस. नेक्स्ट सेंटेंस, द हाउस इज टू स्मॉल टू अकोमोडेट एवरीबडी. अब ये सेंटेंस आएगा, द हाउस इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट अकोमोडेट एवरीबडी. नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज टू वीक टू वॉक. इसका आंसर आएगा, ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक. नेक्स्ट सेंटेंस, मयूर इज टू ग्रीडी टू हेल्प एनीबडी. अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, मयूर इज सो ग्रीडी दैट ही विल नॉट हेल्प एनीबडी. यहां पे मुझे मालूम था कि ये सिंपल प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, फिर भी मैंने यहां पे विल नॉट यूज किया. क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि वो उसकी आदत है, उसमें बदलाव नहीं आने वाला है, इसलिए मैंने यहां पे विल नॉट यूज किया. ओके, अंडरस्टूड. ओके, नेक्स्ट पार्ट, पंकज रन्स टू स्लो टू विन द रेस. अब इसका आंसर आएगा, पंकज रन्स सो स्लो दैट ही कैन नॉट विन द रेस. नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर टू लेट टू गेट एडमिशन. अब इसका आंसर आएगा, यू आर सो लेट दैट यू कैन नॉट गेट एडमिशन. द कार इज टू एक्सपेंसिव टू बाय. इसका आंसर आएगा, द कार इज सो एक्सपेंसिव दैट आई कैन नॉट बाय इट. यही सेंटेंस आप इस तरीके से भी लिख सकते, द कार इज सो एक्सपेंसिव दैट वी कैन नॉट बाय इट. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज टू इंपॉर्टेंट टू निग्लेक्ट इट. अब ये सेंटेंस आएगा, दिस इज सो इंपॉर्टेंट दैट वी कैन नॉट निग्लेक्ट इट. नेक्स्ट वन, ही इज टू फेथफुल टू डिसीव अस. ये सेंटेंस आएगा, ही इज सो फेथफुल दैट ही कैन नॉट डिसीव अस. अंडरस्टूड. चलो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मुड़ते हैं, ही वॉज टू हंग्री टू स्टैंड. He was so hungry that he could not stand. She is too intelligent to fail in the subject. She is so intelligent that she cannot fail in subject. The lane was too narrow for us to walk properly. The lane was so narrow that we could not walk properly. The knife was too blunt to cut anything. अब इसका आंसर आएगा, The knife was so blunt that it could not cut anything. The question was too difficult for him to answer it. अब इसका आंसर आएगा, The question was so difficult that he could not answer it. The light was too dim for him to see anything. The light was so dim that he could not see anything. Government is too strict to remove the ban. अब ये सेंटेंस देखिए, the government is so strict that it will not remove the ban. यहां पे भी देखिए, मुझे मालूम था कि ये प्रेजेंट टेंस है, पर फिर भी मैंने यहां पे will not यूज किया. क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था कि ये बदलाव नहीं होने वाला है. ओके,
ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. द मॉब वॉज टू फ्यूरियस टू बी कंट्रोल्ड. अब इसका आंसर आएगा द मॉब वॉज सो फ्यूरियस दैट इट कुड नॉट बी कंट्रोल्ड. नेक्स्ट वन, ट्री वॉज टू हाई टू क्लाइम. अब इस सेंटेंस को देखिए, ट्री वॉज सो हाई दैट इट कुड नॉट क्लाइम्ड. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन, सैम इज टू यंग टू डू द जॉब. इसका आंसर आएगा सैम इज सो यंग दैट ही कैन नॉट डू द जॉब. नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज टू प्राउड टू अपोलोजाइज. शी इज सो प्राउड दैट शी विल नॉट अपोलोजाइज. ये भी उसी तरीका का सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस में है, फिर भी मैंने यहां पे विल नॉट यूज किया क्योंकि मुझे मालूम था कि सामने वाले की हैबिट कैसे है. अगर सामने वाला अपने आप में नहीं बदलाव कर रहा तो मैं यहां पे विल नॉट यूज करूंगा क्योंकि मैं वहां पे कंफर्म हूं, मैं फर्म हूं वहां पे कि ये बदलाव होने वाला नहीं है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सैम इज टू ओल्ड टू रन द रेस. इसका आंसर आएगा सैम इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन द रेस. नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज टू कोल्ड फॉर अस टू प्ले आउटडोर गेम्स. अब ये देखिए, इट इज सो कोल्ड दैट, यहां पे मैंने फॉर निकाल दिया. ओके, इट इज सो कोल्ड दैट वी कैन नॉट प्ले टू आउटडोर गेम्स. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज टू इजी क्वेश्चन फॉर एनी वन टू आंसर. इसका आंसर आएगा इट इज सो इजी क्वेश्चन दैट एनी वन कैन आंसर इट. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन, वी वर टू लेट टू वॉच द मूवी. इसका आंसर आएगा वी वर सो लेट दैट वी कुड नॉट वॉच मूवी. अंडरस्टूड. नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज टू इल टू अटेंड एनी फंक्शन. इसका आंसर आएगा ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट अटेंड एनी फंक्शन. दीज मैंगोज आर टू कॉस्टली टू बाय. दीज मैंगोज आर सो कॉस्टली दैट वी कैन नॉट बाय देम. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन, ही इज टू शॉर्ट टू बी अ सोल्जर. इसका आंसर आएगा ही इज सो शॉर्ट दैट ही कैन नॉट बी अ सोल्जर. नेक्स्ट वन, शी स्पीक्स सो सॉफ्टली टू बी हर्ड इन अ क्लासरूम. इसका आंसर आएगा शी स्पीक्स सो सॉफ्टली दैट शी कैन नॉट बी हर्ड इन अ क्लासरूम. यहां पे अ चाहिए था, इन अ क्लासरूम. ओके, नेक्स्ट वन, द पैसेज इन द बुक इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. इसका आंसर आएगा द पैसेज इन द बुक, यहां पे बुक चाहिए, एक स्मॉल स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है ये से. द पैसेज इन द बुक इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट अंडरस्टैंड. ओके, नेक्स्ट वन, ही इज टू वीक टू गेट अप फ्रॉम द बेड. इसका आंसर आएगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट गेट अप फ्रॉम द बेड. नेक्स्ट वन, शी इज टू टायर्ड टू कीप अवेक. शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट कीप अवेक. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन, इट इज टू हॉट टू गो आउट. इट इज सो हॉट दैट यू कैन नॉट गो आउट. नेक्स्ट वन, लीना इज टू शाई टू स्पीक अ वर्ड. इसका आंसर आएगा लीना इज सो शाई दैट शी कैन नॉट स्पीक अ वर्ड. द मैन इज टू ओल्ड टू लर्न न्यू थिंग्स. इसका आंसर आएगा द मैन इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट लर्न न्यू थिंग्स. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, टाइम इज टू प्रीशियस टू बी वेस्टेड. इसका आंसर आएगा टाइम इज सो प्रीशियस दैट इट कैन नॉट बी वेस्टेड. यहां पे जो इट है ना, ये इट मैंने टाइम के लिए यूज किया हुआ है. ओके, नेक्स्ट वन, आई वॉज टू स्मॉल टू डिफेंड माई गोलीज. इसका आंसर आएगा आई वॉज सो स्मॉल दैट आई कुड नॉट डिफेंड माई गोलीज. नेक्स्ट, वी वर टू फ्राइटन टू स्पीक अ वर्ड. इसका आंसर आएगा वी वर सो फ्राइटन्ड दैट वी कुड नॉट स्पीक अ वर्ड. नेक्स्ट वन, द मैन इज टू स्ट्यूपिड टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. इसका आंसर आएगा द मैन इज सो स्ट्यूपिड दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. ओके, नेक्स्ट वन,
दे वर टू लेजी टू फिनिश वर्क ऑन टाइम. इसका आंसर होगा दे वर सो लेजी दैट दे कुड नॉट फिनिश वर्क ऑन टाइम. ओके नेक्स्ट सेंटेंस ही इज टू स्लो टू रीच देयर ऑन टाइम. इसका आंसर होगा ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट रीच देयर ऑन टाइम. नेक्स्ट सेंटेंस शी वॉज टू टायर्ड टू वेट. She was so tired that she could not wait. Next sentence. The chief minister was too busy to give us an appointment. Iska answer hoga. The chief minister was so busy that he could not give us an appointment. Next sentence. He had gone too far to hold back the tide. Iska answer hoga. He had gone so far that he could not hold back the tide. Raju is too late for us to do anything. Iska answer hoga. Raju is so late that we cannot do anything. Understood? Next sentence. It is too windy for us to wait outside. Iska answer hoga. It is so windy that. Yahan pe dekhiye. मैंने फॉर निकाल दिया है. ओके और इन दोनों की जगह बदल दी. सो क्या होगा. इट इज सो विंडी दैट वी कैन नॉट वेट आउटसाइड. नेक्स्ट सेंटेंस द वॉटर ऑफ द टैप इज टू डर्टी फॉर अस टू ड्रिंक. इसका आंसर होगा द वॉटर ऑफ द टैप इज सो डर्टी दैट वी कैन नॉट ड्रिंक. नेक्स्ट सेंटेंस द सन इज टू हॉट फॉर अस टू गो आउट. द सन इज सो हॉट that we cannot go out. Understood? Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.